शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त दिशा का रखे ध्यान, तभी मिलेगा पूर्ण फल। आइए दोस्तों, आपको इस बारे में बताते हैं कि किस तरह सा शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि भगवान शिव को जल चढ़ाने से वह जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन भगवान को जल चढ़ाते समय दिशा को जरूर ध्यान रखना चाहिए, वरना पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को जल आपर्तित करते समय कभी भी उत्तर व पूर्व और पश्चिम दिशा में मुख नहीं रखना चाहिए। बताया गया है कि इन दिशाओं में शिव जी की पीठ व कंधा आदि होते हैं, इसलिए जल चढ़ाते वक्त के शुभ फल प्राप्त नहीं होते। शास्त्रों के मुताबिक हमेशा दक्षिण दिशा में ही खड़े होकर वे शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। दक्षिण दिशा में खड़े होकर इस प्रकार जल चढ़ाना चाहिए कि जल उत्तर दिशा की ओर शिवलिंग पर गिरे। इससे भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो गए। भगवान शिव को जल तेजी से नहीं बल्कि धीरे धीरे एक धारा में जल चढ़ाना चाहिए। इससे शिव जी को अति प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग में जल चढ़ाने के बाद पूरी परिक्रमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपर्तित जल को कभी भी अंगालना नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो और आपको ये बातें पता थी या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताइए।